प्रीव्यू। हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अभिषेक पाठशाला। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि गुणधर्मों पर आधारित क्वेश्चनों को समाकलन में किस प्रकार सॉल्व किया जाता है? यदि नहीं तो चलिए आज देखते हैं एक्सरसाइज 7.11 में, जो कि गुणधर्मों पर आधारित समाकलनों को हल करने की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके बारे में बहुत कम बच्चे जानते हैं। ये समाकलन की एक अकेली ऐसी एक्सरसाइज है जिसके बारे में बहुत कम बच्चे जानते हैं और जो मोस्टली बच्चों को बहुत ही डिफिकल्ट एक्सरसाइज लगती है। तो चलिए आज की क्लास में हम देखेंगे कि इस डिफिकल्ट एक्सरसाइज को किस प्रकार इजीली तरीके से सॉल्व किया जाएगा। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। यदि अच्छा लगे, सभी क्वेश्चन समझ में आए परफेक्टली, तो हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि आप हमारे इन क्वेश्चनों के बारे की जानकारी अपने साथियों को जरूर प्रोवाइड कराइए। उनसे बताइए कि अब इंटरमीडिएट की मैथमेटिक्स के प्रत्येक लेसन को पढ़ना बहुत ही आसान हो गया है हमारे चैनल पर, तो आप उन्हें हमारे बारे में जानकारी दीजिए, उन्हें फॉलो कराइए। यूट्यूब पर भेज करके, सर्च करवा करके एक आसान तरीके से मैथमेटिक्स के क्वेश्चनों को कैसे हल किया जाता है उन्हें जरूर बताइए। और खास तौर से उन बच्चों को जरूर बताना है जो मैथमेटिक्स को बहुत ही कठिन मानते हैं, ठीक है, जिन्हें बिल्कुल नहीं आता है और वो मैथमेटिक्स को बहुत ही कठिन मानते हैं, तो उनसे बोलिए कि एक्सरसाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, दिमाग लगाइए और आराम से सवालों को एक सरल तरीके से सोल्यूशन पाइए, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं एक्सरसाइज 7.11 के पहले क्वेश्चनों को, जो कि गुणधर्मों पर आधारित कुछ क्वेश्चंस हैं। आज हम क्लियर करेंगे 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चनों को, जो कि केवल दो गुणधर्मों पर आधारित लगे हुए हैं, जिनको हमने सामने व्हाइट बोर्ड पर लिख दिया है क्वेश्चनों फॉर्मूलों को। पहला फॉर्मूला जो है हमारा वो है इंटीग्रेशन लिमिट्स होगी a0fx = dx का। जब हम समाकलन करेंगे गुणधर्मों के आधार पर, तो उसका समाकलन में एफ ए माइनस एक्स हो जाता है। कहने का मतलब है जो ये लिमिट्स यहां पर होगी वो यहां पर इस चर राशि से माइनस के रूप में जुड़ जाएगी, ठीक है। उसी प्रकार से दूसरा फलन यहाँ पे ये है कि यदि कोई फलन a माइनस है, यानी जब दोनों लिमिट्स उच्चस्थ लिमिट और निम्निष्ठ लिमिट सेम कंडीशन की हो, एक ही कंडीशन की हो, तो उनका समाकलन करते समय इसमें क्या होता है, यदि फलन विषम है तो इसमें माइनस बाहर हो जाएगा और ये जो जीरो माइनस है ए जीरो, ये जीरो क्या है, ये जीरो एक्स के पास की वैल्यू को दर्शाता है। जैसे एफ एक्स दिया गया है और अगर एक्स प्लस यहाँ पे फाइव होगा तो यहां पर ये फाइव आपका आ जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं ना। ये जो जीरो है ये इस एक्स के साथ से जुड़ी किसी संख्या को व्यक्त करता है, ठीक है। तो जब क्वेश्चन क्लियर करेंगे तो परफेक्टली क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन दिया गया है इंटीग्रेशन पाई बाई टू जीरो कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। इसे हम एक आई के रूप में फलन मान लेते हैं, ये एक प्रथम फलन है, मान लीजिए पाई बाई टू जीरो कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। अब हम प्रगुण लगा देंगे, पहले प्रगुण लगा देंगे, क्योंकि बुक्स में ये आपका जो प्रगुण है वो प्रगुण नंबर 4, यहां पर हम लिखेंगे प्रगुण नंबर 4 से, प्रगुण नंबर 4 से। तो प्रगुण नंबर 4 क्या होता है देख लेते हैं, आई बराबर इंटीग्रेशन पाई बाई टू जीरो, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर, ये लिखा हुआ एफ एक्स डी एक्स के रूप में दिया गया है, तो इसे एफ ए माइनस एक्स के रूप में लिख सकते हैं। ए क्या है, यहां पर किसी भी समाकलन के फलन की उच्च सीमा को व्यक्त करता है, ठीक है। तो इसे लिखेंगे कॉस स्क्वायर पाई बाई टू माइनस एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स है, एक्स की जगह पर पाई बाई टू माइनस एक्स रख दिया जाएगा इंटू डी एक्स। ये है प्रगुण नंबर 4 की क्वालिटी, ठीक है। प्रगुण नंबर 4 में क्या है कि जो फलन की उच्चिष्ट सीमा होगी, जो मैक्सिमम लिमिट्स होगी, वो फलन के एक्स के साथ में ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाएगी, ठीक है। कहने का मतलब यहां पर ये भी लिख सकते हैं कि x इक्वल टू पाई बाई टू माइनस एक्स रखने पर, ये भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसे लिखेंगे i इक्वल टू पाई बाई टू जीरो कॉस स्क्वायर, ये 90 माइनस एक्स होगा, तो इसे लिख देंगे साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। इसका भी समाकलन नहीं हुआ है, ये फर्स्ट इक्वेशन से, ये सेकेंड से। यहां पर लिख देंगे समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, दोनों समीकरण जोड़ देंगे तो इधर हो जाएगा 2i, ठीक है, इधर होगा लिमिट पाई बाई टू जीरो, पहली समीकरण है कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस दूसरी समीकरण है पाई बाई टू जीरो साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसे लिखेंगे 2i इक्वल टू पाई बाई टू जीरो, दोनों की लिमिट सेम है तो इसे एक में लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, इंटू डी एक्स।
तो ये हो जाएगा 2i इक्वल टू पाई बाय 20, ये फॉर्मूला होता है 1 का, इसे लिखेंगे 1 dx। अब इसका समाकलन कर देंगे, 2i इक्वल टू 1 का समाकलन x के सापेक्ष x होगा और इसकी लिमिट होगी पाई बाय 2, 0, इसे लिखेंगे 2i बराबर लिमिट लगा देंगे तो ये हो जाएगी पाई बाय 2 - 0, 2i बराबर पाई बाय 2 और i की वैल्यू होगी पाई बटे 4, ये इसका क्लियर आंसर। सेकंड नंबर कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन पाई बाय 2 0 अंडर sin x / sin x + रूट cos x dx, इसे भी एक i के रूप में मान लेते हैं, मान लीजिए i बराबर ये दिया गया है, ठीक है, मान लीजिए एक समीकरण है i बराबर, इसे फर्स्ट क्वेश्चन कर देंगे। अब लिखेंगे यहां पर x बराबर पाई बाय 2 - x रखने पर, ठीक, x की जगह पर पाई बाय 2 - रखने पर इसके आगे लिख सकते हैं प्रगुण नंबर 4 से, चौथे प्रगुण से इसको हल करेंगे, i इक्वल टू इंटीग्रेशन पाई बाय 2 0, ये हो जाएगा अंडर रूट साइन x, x की जगह पर पाई बाय 2 - x रखने पर। ये पाई बाय 2 आया कहां से, यहां पर ये लिमिट्स दी गई है, जो लिमिट्स यहां पर होगी वही रखेंगे माइनस के रूप में, ठीक है, इसे लिखेंगे अंडर रूट साइन पाई बाय 2 - x प्लस अंडर रूट कास पाई बाय 2 - x dx, ये होगा आई इक्वल टू पाई बाय 2 0, अंडर रूट ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स साइन 90 माइनस ये होगा अंडर रूट कॉस एक्स और ये कॉस वाला होगा साइन एक्स इंटू dx, ये सेकेंड इक्वेशन होगा। फिर वही लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, तो इधर होगा 2i और इधर होगा पाई बाय 2 0, ठीक है, इसे लिखेंगे अंडर रूट साइन एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स प्लस इंटीग्रेशन पाई बाय 2 0 अंडर रूट कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स dx, ये होगा 2i बराबर इंटीग्रेशन पाई बाय 2 0, इसमें अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स एलसीएम होगा, यहां पर होगा अंडर रूट साइन एक्स प्लस इधर होगा अंडर रूट कॉस एक्स, यहां पर होगा dx, ये कैंसिल हो जाएगा, इसे लिखेंगे 2i बराबर लिमिट पाई बाय 2 0, यहां पर बचेगा 1 dx, ये होगा 2i बराबर 1 का समाकलन करेंगे x के सापेक्ष तो x होगा, लिमिट होगी पाई बाय 2 0, लिमिट लगा देंगे पाई बाय 2 - 0 और इसे जब हल करेंगे तो इसका क्लियर आंसर होगा पाई बाय 4। थर्ड नंबर ट्राई करेंगे, इंटीग्रेशन पाई बाय 2 0 साइन की पावर 3/2x अपॉन साइन की पावर 3/2x प्लस कॉस 3/2x dx, इसे एक i बराबर मान लेंगे, ये एक पहला समीकरण हुआ। अब इसमें फिर वही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, x बराबर पाई बाय 2 - x रखने पर प्रगुण नंबर 4 से वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, i इक्वल टू इंटीग्रेशन पाई बाय 2 0, ये होगा साइन x की जगह पर पाई बाय 2 - x की पावर 3/2 अपॉन साइन पाई बाय 2 - x की पावर 3/2 प्लस कास पाई बाय 2 - x की पावर 3/2, ये होगा i इक्वल टू पाई बाय 2 0 साइन 90 माइनस ये हो जाएगा कॉस एक्स की पावर 3/2 अपॉन नीचे बनेगा ये कॉस एक्स की पावर 3/2 प्लस साइन एक्स की पावर 3/2 इंटू dx, इसे लिखेंगे i इक्वल टू, एक समीकरण हो गया दूसरा। अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर जोड़ देंगे तो यहां पर होगा 2i और यहां पर होगा आपस में पाई बाय 0, इनको एक ही में लिख देते हैं दोनों को, इसे लिखेंगे साइन 3/2 x प्लस कॉस 3/2 x अपॉन जो ये लिखा है वही ये लिखा है साइन 3/2 x प्लस कॉस 3/2 x इंटू dx, तो देखिए ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, इसे लिखेंगे 2i इक्वल टू पाई बाय 2 0, ये हो जाएगा 1 dx, ठीक है, ये आपका होगा 2i बराबर, इसका समाकलन जब हम करेंगे x के सापेक्ष
तो वन एक्स आएगा और इसकी लिमिट होगी पाई बाई टू जीरो। इसे लिखेंगे टू आई बराबर, लिमिट लगा देंगे पाई बाई टू माइनस जीरो, तो आई बराबर पाई बाई फोर, इसका भी आंसर पाई बाई फोर ही होगा। फोर्थ नंबर कैसे क्लियर करेंगे, इंटीग्रेशन पाई बाई टू जीरो कॉस पावर फाइव एक्स अपॉन साइन फाइव एक्स प्लस कॉस फाइव एक्स इंटू डी एक्स। इसे भी एक आई के रूप में मान लेते हैं, पहली क्वेश्चन हो गई। बाद में क्या लिखेंगे, वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, लिखेंगे एक्स बराबर पाई बाई टू माइनस एक्स रखने पर, अर्थात प्रगुण नंबर चार से, तो ये होगा आई इक्वल टू पाई बाई टू जीरो, ये होगा कास फाइव घात पाई बाई टू माइनस एक्स अपॉन, नीचे होगा साइन की पावर फाइव, इधर होगा पाई बाई टू माइनस एक्स प्लस कास की घात फाइव इंटू पाई बाई टू माइनस एक्स डी एक्स, यानी एक्स की जगह पर पाई बाई टू माइनस एक्स रखा जा रहा है। आई इक्वल टू पाई बाई टू जीरो कॉस 90 माइनस एक्स होगा, ये होगा साइन की पावर 5 घात एक्स अपॉन साइन वाला हो जाएगा कास में और कास वाला ये हो जाएगा साइन में इंटू डी एक्स। ये इक्वेशन दूसरी हो जाएगी। समीकरण एक तथा दो को जोड़ने पर, जोड़ देंगे दोनों समीकरणों को और जोड़ने पर क्या आएगा, इधर आई आई मिलकर के टू आई हो जाएगा, इधर पाई बाई टू जीरो, पहली क्वेश्चन है आपकी कास फाइव घात एक्स अपॉन नीचे साइन फाइव घात एक्स प्लस कास फाइव घात एक्स प्लस इंटीग्रेशन पाई बाई टू जीरो, ये वाली क्वेश्चन है साइन फाइव घात एक्स अपॉन कास फाइव घात एक्स प्लस साइन फाइव घात एक्स डी एक्स, ये दोनों हर सेम है, लासा ले लेंगे, तो ये बनेगा टू आई बराबर पाई बाई टू जीरो, इसे लिखेंगे साइन फाइव घात एक्स प्लस कास फाइव घात एक्स, यहां पर बचेगा कास फाइव घात एक्स प्लस साइन फाइव घात एक्स इंटू डी एक्स, ये होगा ऐसे, ये कैंसिल होगा वन बचेगा, यहां पर लिखेंगे टू आई बराबर इंटीग्रेशन पाई बाई टू जीरो, ये होगा वन डी एक्स, जान चुके हैं टू आई बराबर वन का समाकलन एक्स पाई बाई टू लिमिट जीरो, टू आई बराबर लिमिट लगा देंगे पाई बाई टू माइनस जीरो, आई की वैल्यू होगी पाई बाई फोर। क्लियर है। फिफ्थ नंबर कैसे क्लियर करेंगे, इंटीग्रेशन लिमिट फाइव माइनस फाइव मॉड एक्स प्लस टू इंटू डी एक्स। देखिये इस क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है फाइव नंबर फोर्थ नंबर से बिल्कुल ही अलग है, यहां पर प्रगुण नंबर सेवन यूज होगा। प्रगुण नंबर सात जो है वो दो प्रकार से यूज होता है, ठीक है, कब, लिमिट्स को देख करके हम जानेंगे, जब फलन आपका विषम होगा, जब फलन की लिमिट्स जो है वो विषम होंगी तब उसका प्रगुण दूसरे प्रकार से यूज होगा, और जब फलन की लिमिट्स जो होंगी वो सम होंगी तब प्रगुण दूसरे प्रकार से यूज होगा। प्रगुण दोनों प्रगुणों को हल करने का जो तरीका है वो सेम है, बस उसमें थोड़ा डिफरेंस है, जरा सा डिफरेंस है। अगर हम इसको परफेक्टली क्लियर कर लेते हैं, समझ पाते हैं, तो एग्जाम के समय इस प्रकार के क्वेश्चनों को हल करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। यहां पर सबसे पहले गुणधर्मों पर आधारित क्वेश्चनों में सबसे पहले हम ये जानेंगे कि लिमिट्स क्या बताती हैं हमें। तो यहां पर हम लिमिट्स देख रहे हैं कि दोनों लिमिट्स सेम है, एक प्लस की फाइव है दूसरी माइनस की फाइव है, तो जब लिमिट्स दोनों सेम होंगी किसी भी क्वेश्चन में इंटीग्रेशन के, तो वो प्रगुण नंबर सात की दिशा को व्यक्त करेगी, ठीक है। तो यहां पर प्रगुण नंबर सात लगने वाला है, जो कि यहां पर सेकंड नंबर पे लिखा गया है, इंटीग्रेशन ए माइनस एफ ऑफ एफ एफ एक्स इंटू डी एक्स का। इसे प्रगुण में जब हम तोड़ेंगे तो इसका माइनस बाहर होगा, कब, जब फलन विषम होगा। तो यहां पर फलन विषम है, फलन की जो लिमिट्स दी गई हैं वो विषम है, सम नहीं है, इसलिए इसका माइनस बाहर होगा, माइनस एफ एक्स प्लस ए जीरो, इसकी लिमिट्स यहां पे बदल जाएंगी। ये जो जीरो है ये यहां पर इस एक्स के साथ जुड़े हुई संख्या को व्यक्त करता है, तो यहां पर ये संख्या दी गई है एक्स प्लस दो, मान लेते हैं बराबर जीरो, तो एक्स बराबर ये संख्या क्या होगी, माइनस दो। तो यहां पर इस फॉर्मूले में जो जीरो दिख रहा है वहां पर हम माइनस दो का प्रयोग करेंगे, ठीक है। चलिए तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, यहां पर लिखेंगे प्रगुण नंबर सात से, तो प्रगुण नंबर सात जो है इसे हम कैसे यूज करेंगे, फाइव माइनस फाइव मडलस एक्स प्लस टू डी एक्स, इसको हम यूज करेंगे कैसे देख लेते हैं। माइनस बाहर लगा देंगे, इंटीग्रेशन सबसे पहले जीरो, जीरो की जगह पे माइनस दो माइनस फाइव इंटू मॉडुलस एक्स प्लस टू डी एक्स, क्लियर, प्लस इंटीग्रेशन, इसके बाद वाला फॉर्मूला क्या होता है, ए जीरो, ए है तुम्हारी ये उच्चिष्ट लिमिट, उच्चिष्ट लिमिट है पांच और जीरो है माइनस दो को व्यक्त कर रहे हैं निम्निष्ट लिमिट, इंटू मॉडुलस एक्स प्लस टू इंटू डी एक्स। अब इस फलन का समाकलन कर देते हैं,
देखिए ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में मोस्टली आते हैं, ठीक है, और इन्हें हल करने में हम बहुत सी गलतियां कर देते हैं। यहाँ पे प्रगुण नंबर जो 7 है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रगुण है, पूरी एक्सरसाइज का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रगुण है, और हर वर्ष हर सेट में एक क्वेश्चन इस प्रगुण पर आधारित जरूर पूछा जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बहुत ही क्लियर तरीके से देखना है। तो देखिए इसे लिखेंगे माइनस, चलिए इसका समाकलन कर देते हैं, इसका समाकलन होगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू इंटू टू एक्स, लिमिट होगी माइनस दो माइनस वन, प्लस इसका होगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस टू एक्स, लिमिट होगी पांच और माइनस दो, इसे लिखेंगे माइनस, लिमिट लगा देते हैं तो ये माइनस माइनस प्लस की चार हो जाएगी, माइनस के ये फोर हो जाएगी, ठीक है, क्लियर है। अच्छा इसके बाद में माइनस लगा करके इस लिमिट को रखेंगे तो ये तो हो जाएगी पचम पच्चीस बटे दो, और यहां पर जब हम माइनस लगाएंगे तो पांच दुनी दस हो जाएगा, ये चूंकि माइनस बाहर लगा हुआ है इसीलिए ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है, ऐसे कर देंगे, ठीक है। प्लस इसमें आ जाते हैं, चलिए इसमें लिमिट लगा देते हैं, ये हो जाएगी पचम पच्चीस बटे दो प्लस पांच दुनी दस, माइनस तो लगता ही है, लिमिट जब रखी जाती है उच्चिष्ट निम्निष्ट, माइनस में इसको जब लगाएंगे तो ये माइनस माइनस प्लस का दो दुनी चार हो जाएगा, और ये वाला माइनस भी जुड़ करके प्लस हो जाएगा, ये भी चार हो जाएगा, ऐसे यूज कर देंगे, ठीक है। ये बनेगा माइनस, इसे लिखेंगे दो माइनस चार माइनस पच्चीस बटा दो प्लस दस, ऐसे लिखेंगे इसे, प्लस इसे लिखेंगे पच्चीस बटा दो प्लस दस माइनस दो प्लस चार, चलिए इसे हल कर लेते हैं, माइनस ये बनेगा, देखिए दस दो बारह में चार जाएंगे तो आठ माइनस पच्चीस बटा दो, प्लस इधर दस चार चौदह में दो कम होंगे बारह, तो इधर बचेगा पच्चीस बटा दो प्लस बारह, इसे लिखेंगे माइनस, आठ दुनी सोलह, सोलह में पच्चीस जाएंगे माइनस के नौ बटे दो, प्लस बारह दुनी चौबीस, चौबीस पच्चीस उनचास बटे दो, ये हो जाएगा प्लस का नौ बटे दो और इधर होगा उनचास बटे दो, इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा अट्ठावन बटे दो, अर्थात 29 इसका क्लियर आंसर होगा। दोस्तों कैसी लगी आज की क्लास, ये क्वेश्चंस कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि ये क्वेश्चन आपको परफेक्टली समझ में आया है तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए। बहुत जल्द आपको मिलते हैं एक्सरसाइज 7.11 के कुछ आगे के क्वेश्चनों को, तब तक के लिए पढ़ते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल अभिषेक पाठशाला। थैंक यू।